ये क्वेश्चन जेम 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन इस प्रकार है, इफ़ AD-BC बराबर 2 एंड PH-QR बराबर 1 दे रखा, देन द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू, मतलब भरने के लिए क्या आ गया था, दो नंबर में आया था क्वेश्चन कि इस डिटरमिनेंट, इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी, यहाँ भरना। तो सॉल्यूशन, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए वी 0 0 3 1 0 2 P Q C D 0 0 2 7 2 R S। तो हमने लिखी है, तो हमारे पास एक थ्योरम होती है, ब्लॉक थ्योरम, तो उससे उसका हम यूज़ करके इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बहुत इजीली से कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्लॉक थ्योरम होती है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो फॉर्म हमारी ब्लॉक थ्योरम में ये होनी चाहिए, 0 V बराबर डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B। दूसरी फॉर्म AX0V। तो इस मैट्रिक्स का अगर हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B, तो अगर हम इस फॉर्म में बना लेते हैं तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सीधे जो डायगोनल एलिमेंट होता है, जो मैट्रिक्स होती है, हम उसका डिटरमिनेंट निकाल के और आपस में गुणा कर देंगे, जिससे क्या निकल के आ जाएगा हमारा उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। देखते हैं, तो सबसे पहले हमें इन फॉर्म में बनाने पड़ता है, किस फॉर्म में हमारा ये बनना, देखते हैं। इस वाली फॉर्म हमारा ये बनेगा, यहाँ 2 0 है और यहाँ 2 0 है थर्ड रो में, या हम कह सकते हैं हमारे थर्ड कॉलम में 2 0 है और फोर्थ कॉलम में हमारे 2 0 है। तो देखते हैं इस फॉर्म हम कैसे बनाते हैं, तो हमें क्या करना होगा, क्या कौन सा रूल हमें अप्लाई करना होगा जिससे कि हमारी ये फॉर्म बन जाए। तो हम इंटरचेंज कर देते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं, तो ऑपरेशन के लिए तो हम इंटरचेंज कर देते हैं R2 और R3 रो को आपस में क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। देखते हैं डिटरमिनेंट AV 0 0 3 10 2 P Q C D 0 0 2 7 2 R S बराबर डिटरमिनेंट। जब रो इंटरचेंज करते हैं तो क्या आ जाता है, निगेटिव साइन आ जाता है, AV 0 0 CD 0 0 3 1 0 2 P Q 2 7 2 R S। तो हमारी कौन सी फॉर्म बन गई, सेकंड वाली फॉर्म बन गई। तो हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना होगा, बराबर क्या होगा, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इंटू इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट माइनस AVCD इंटू 2P Q 2 R S बराबर माइनस AD-BC, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट AD-BC, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 2PS माइनस का QR इंटू 2 माइनस AD-BC की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू, यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ PS-QR इसकी वैल्यू कितनी है, 1 बराबर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 1 बराबर माइनस का 4। तो इस डिटरमिनेंट मैट्रिक्स कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 4, तो वह कितना भर दिया जाएगा, माइनस का 4 भर दिया जाएगा।